श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के नेतृत्व में आज अलवर में जगन्नाथ मंदिर से सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिलों के विरोध में वे किसानों के आंदोलन के समर्थन में पैदल मार्च निकाला। मार्च के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। शहीद स्मारक पर मंत्री जूली ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार अपने हट धर्मिता पर है। करीब 200 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं और सरकार 3 कानूनों को वापस ले। देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं, पिछले 100 दिन होने को आ रहे हैं, किसान धरने पे बैठे हैं, 200 से अधिक किसान अपने जान की बाजी लगा चुके हैं, कुर्बानी दे चुके हैं, इस देश के लिए शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन के अंदर, और सरकार जरा भी उनकी तरफ नहीं देख रही है, उनकी बात नहीं मान रही है, हट धर्मिता कर रही है। ये कानून इस प्रकार के बने हैं कि आने वाले समय में किसान ही नहीं, अभी तो इस देश का हर व्यक्ति इससे प्रभावित होगा, और ख़ास तौर से जो गरीब लोग हैं उन पर इसका बहुत बड़ा असर आएगा। मैं ये कहना चाहूँगा, इस पद मार्च के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश दिया है कि हम किसानों के साथ हैं और मोदी सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। आज मोदी जी की जो नीतियां हैं सब लोगों के सामने, आज डीजल पेट्रोल 100 को छू रहे हैं और गैस सिलेंडर बहुत ही जल्दी 1000 रुपये को छूने वाला है। इस प्रकार से कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस तरफ ध्यान नहीं है, और किसानों को टारगेट बना के इस प्रकार का कानून लागू किया गया है। और अभी आप देखेंगे बहुत ही जल्दी मजदूरों का भी कानून भारत सरकार बना रही है, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि मजदूरों के जो हक थे उनको कम किया जा रहा है ताकि मजदूर भी अपनी आवाज़ नहीं उठा सके। तो ये सरकार किसान मजदूर विरोधी सरकार है, इसको जनता सबक सिखाएगी। और मैं ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, हम जी जान से किसानों की मदद करेंगे।